पहले हमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था बिकॉज जब आप गूगल सर्च करते हो तो काफ़ी सारे गूगल uh, सर्च आ जाते हैं पंजाब मार्केट के लिए इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग सो इट इज़ इन सेक्टर 58 एट फॉर नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर सम होम डिकॉर आइटम्स देन पंजाब मार्केट इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ये बार्गेनिंग वाला मार्केट है तो आप बहुत ज़्यादा हद तक बार्गेनिंग कर सकते हो एंड होम सेंटर में भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं बट इट वुड कॉस्ट यू डबल और ट्रिपल सो सबसे पहले गए हम इस शॉप पे जहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड वासेस अवेलेबल थे अगर आप ग्रीनरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर आपको ग्रीन एलिमेंट अपने घर में कुछ एड ऑन करना है तो दिस इज अ परफेक्ट प्लेस एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारी वराइटीज आपको डिफरेंट डिफरेंट वरायटीज मिल जाएंगे सो so, वेराइटी के मामले में यू आर नॉट गन कॉम्प्रोमाइज वॉशिज वर ऑल्सो वेरी गुड आई थिंक मेरी मम्मा को यहाँ पे ज़्यादा पसंद आता बिकॉज शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जिनको ग्रीनरी एंड ये फ्लावर्स एंड वॉसेस बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अट्रैक्ट करते हैं देन नेक्स्ट अपज दिस होम डिकोर आइटम्स लाइक डेकोरेटिव पीसेस थे छोटे छोटे स्टैचूज जो आपके घर को थोड़ा और ब्यूटीफुल बना सकते हैं नेक्स्ट स्टप इज दिस छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टूल मे को ये काफ़ी पसंद आए थे पर्सनली अगर मे को रखना होता हो, और मेको परचेज करना होता है हो, तो आई वु हैव डेफिनेटली परचेज दिस वन बिकॉज ये एक बहुत प्यारा सा एलिमेंट एड ऑन करता है और फिर इसी शॉप पे काफ़ी सारे रग्स मैट्स एंड कार्पेट्स थे जिसकी क्वालिटी आई मस्ट टेल यू बहुत अच्छे थे एंड बार्गेनिंग भी आप अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे साथ साथ ही स्टोरेज बैग बैग भी भी था, भी था, लॉन्ड्री uh, इसके साइज साइज हमारे नॉर्मल पिलो के के नहीं थे, थे, थोड़े से छोटे मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लगे, कलर, इसी शॉप पे some cute wall hangings also, हाथ का गया वर्क एंड प्लस छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गद्दी आई ये कितने के थे बिकॉज मैंने नहीं पूछा और देवर सम क्यूट मसलन एंड क्वेश्चन जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बट मैंने अपने आप को किसी तरह रोका कि मैं इसको ना लूँ बिकॉज मैं मम्मा के साथ आके एंड फिर लूँ इन सब चीज़ों को नेक्स्ट आप इज दिस वुडन शॉप जहाँ पे सारे वुडन के शो पीसीज मिल रहे थे डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे थे ये भी काफ़ी अच्छे थे एंड वुडन के ट्रे भी मिल रहे थे अगर आपको वुड की चीज़ें पसंद है तो यू वुड हैव डेफिनेटली लव दिस प्लेस और मैं अंदर नहीं गई बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा महंगा बता रहे थे द नेक्स्ट आप इज दिस शॉप जहाँ सारे डेकोरेटिव आइटम्स आपके फ्रंट uh, डोर के लिए बुद्धा का स्टैचू एंड ऑल मिल रहा था विच वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव लाइक फोर थाउजेंड एट थाउजेंड ऐसे करके रेंज थे इनके बट डेफिनेटली सो ब्यूटिफुल एंड बाहर से आप कहीं लोगे तो ये आपको, आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा एंड प्लस uh, ये एक बहुत uh, प्यारा सा आइटम लगा मुझे एंड ये स्टैंड आउट करेगा अगर आप इसको फ्रंट डोर पर यूज़ करते हो तो प्लस ऐसे गणपति जी बुद्धा जी के स्टैचू जो पीछे एलईडी लाइट लगे हुए हैं एंड प्लस वाटरफॉल वाले भी स्टैचूज काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे नेक्स्ट अप इज दिस शॉप जहाँ पे मेटल के कुछ क्रॉकरी आइटम्स एंड सम डेकोरेटिव पीसेस रखे हुए थे जैसे कि आप ये ग्लोब देख सकते हो एंड इट वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल बंजारा मार्केट में एक चीज़ की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं तो डोंट वरी अगर आप किसी एक शॉप से कोई चीज़ नहीं ले पाए यू कैन गेट इट फ्रॉम अदर शॉप हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें ये सेरेमिक की शॉप मिली यहाँ पे कलट्री देख के तो मेरा दिल आ गया एंड ना आई मस्ट से दे हैव सम अमेजिंग कलर वाइब्रेंट कलर जो बहुत अच्छे लगे थोड़ी और आगे बढ़ोगे आप तो आपको ऐसे स्टूडियो लाइट्स एंड लैम्प भी मिलेंगे जो कि आप डेकोरेटिव आइटम में ऑबियसली यूज कर सकते हो देन आई फाउंड दिस रग विच वॉज बहुत ज्यादा अच्छा था बट इसकी साइज काफी छोटी थी एंड वो मेरे किसी यूज का नहीं था बट स्टिल आई जस्ट लव द कलर एंड देन इसके बगल में आई जस्ट फाउंड दिस वुडन ट्रे या फिर uh, कुछ डेकोरेटिव आइटम आप कह लो ऐसा कोई शॉप जहाँ पे क्यूट क्यूट चीजें भी थी वुडन से रिलेटेड बट मेरा दिल आया इस मिरर पे इट वॉज सो गुड लुकिंग और बहुत प्यारा लग रहा था इट वॉज़ अराउंड थ्री थाउजेंड और जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो यू गेट दिस प्रॉपर फर्नीचर वाला शॉप जहाँ पे आपको वुडन टेबल चेयर्स ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी प्लस अगर आप साइड में देख पा रहे हो तो एक राउंड मिरर है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड ये मार्बल वाली स्टूल ये भी बहुत अच्छी थी प्लस उस पर जो डियर रखे हुए हैं गोल्डन पॉलिश करा हुआ वो भी बहुत प्यारा था एंड अर थिंग विच आई लव द मोस्ट वॉज दिस्ट चेयर ब्लैक कलर का एंड ये को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ऑफकोर्स इसको आप अपने स्टूडियो में भी एड कर सकते हो या जहां पर मेकअप करते हो वहां पर भी ऐड कर सकते हो ये एसिटिकली प्लीजिंग लग रहा है मैंने बैठ के भी देखा मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका मटीरियल भी थोड़ा वेल्बेटी टेक्स्चर का था एंड येस uh, yes, बहुत प्यारा था ये मैं इसको डेफिनेटली परचेज करती बट आज मैं परचेजिंग के पर्पज से नहीं गई थी आई जस्ट वेन देट एक्सप्लोर सो या दिस वॉज इट नहीं करते करते भी मैंने कुछ कुछ चीजें ले ली हैं आप मेरी शक्ल से देख सकते हो सो so, मैं शायद हॉल भी इसी वाले में ही डाल दूँ सो लेट्स सी Coming on to the haul video, so the very first one was this rug and it is so beautiful, Mere ek, uh, area was perfect tha. Second one is this mirror which I a lot and I was so much determined to purchase this one. So yeah, I've got this one for I think 2700. Third and the last one is this big carpet uh, which costed around 2100. एंड ये एक प्रॉपर कालीन है सो या आई जस्ट लव डेट एंड आप बताओ कि आपको तीनों में से कौन सी चीजें अच्छी लगी ओके बाय टेक केयर लव यू ऑल